वेलकम टू फिशिंग क्लब यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज फिर एक हुक बैट लेकर आपके सामने मैं नसरुल्ला। देखिए इस ठंडी में बहुत फिशिंग कम होती है, बहुत कम होती है फिशिंग, इसलिए मैं एक ऐसा बैट लेकर आया हूँ कि फिशिंग हो सके और आपके लिए अच्छा बैट दिखाऊँ और आप अच्छा फिशिंग कीजिए कर सकें। देखिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं जाता और मैं आपको तो पता है मैं सब नेचुरल बैट बनाता हूँ, ज़्यादा खर्चे वाला और केमिकल का लोचा वगैरह नहीं है, नेचुरल बैट। इसके बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन लेके और बहुत जानकारी लेके मैं बैट के लिए आगे बढ़ता हूँ, बैट बनाता हूँ। देखिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, कॉर्न पाउडर, कॉर्न का पाउडर वाइट चाहिए 100 ग्राम, 100 ग्राम कॉर्न का पाउडर येल्लो चाहिए, मैदा चाहिए, राइस पका हुआ चावल चाहिए, लहसुन 2 लहसुन चाहिए, नींबू चाहिए, लेमन 1 केला, 1 या 2 केला डाल सकते हैं, और गुड़, मगर शुगर में, शुगर का जो मोटा आता है ना, गुड़ बोलते हैं हमारे यहाँ, वो चाहिए। और इसको कैसे बनाना है, कैसे मिक्स करना है और इसमें क्या डालना है, आप पूरा वीडियो देखते रहिए, आखिरी तक वीडियो देखिए दोस्तों, क्योंकि जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो आप लास्ट तक देखेंगे बिना स्किप किए, तो आपको पता चलेगा कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ कैसे मिक्स करना है, कैसे डालना है। और जो भी लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सब्सक्राइब करें, बेल की घंटी दबाएं, क्योंकि जो भी वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। और देखिए दोस्तों ये जैसे कैसे बनाना है और कैसे मिक्स करना है बताता हूँ। देखिए मैं फिर दोबारा एक बार बोलता हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा डाल के बनाता हूँ, आपको कितनी क्वान्टिटी में चाहिए बताता हूँ। 100 ग्राम वाइट कॉर्न पाउडर, 100 ग्राम येल्लो कॉर्न पाउडर, 100 ग्राम मैदा, कम से कम 100 ग्राम राइस खाना, 50 ग्राम गुड़, 1 लेमन, 1 केला, क्योंकि कार्प बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती है, और लहसुन चाहिए इसको। और बताता हूँ कैसे मिक्स करना है, कार्प का तो एकदम स्पेशल है, गुलफाम चाइना फिश कहते हैं, बहुत जगह पे गुलफाम कहते हैं, हमारे यहाँ कार्प कहते हैं उसको, येल्लो कार्प। देखिए मिक्स करने का बताता हूँ, आप देख लीजिए आप, मैं जितना जितना बताएं उतना लीजिए। वाइट कॉर्न पाउडर, येलो कॉर्न पाउडर 100 ग्राम, मैदा 100 ग्राम, चावल 100 ग्राम, लहसुन एक डालिए पेस्ट बनाकर, 1 लहसुन डालिए पेस्ट बनाकर, और शुगर 100 ग्राम डालिए, मिक्स कीजिए, इसमें सारा चीज़ मिक्स कर लीजिए। मिक्स होना चाहिए दोस्तों, बहुत बहुत क्लीन से मिक्स होना चाहिए, जल्दी मत कीजिए, वीडियो पूरा देखिए पता चल जाएगा आपको। और लास्ट में बताऊंगा ये कौन से कलर में रखना है आपको, आप देखते रहिए, कम से कम 2-3 कलर का बनाऊंगा ये। मच्छी के लिए ऑरेंज ग्रीन बहुत पसंद है। और नेक्स्ट इसका ग्राउंड बेड बनाऊंगा, ये जो अभी हुक बेड बनाकर दिखा रहा हूँ आपको, इसका ग्राउंड बेड बनाऊंगा। और देखिए हुक एक में ही 5 हुक आ जाएगा, देख रहे हैं ना, लॉक करने के लिए पीछे। पांच हुक्का जाएगा, इधर है, इधर 5 हुक्का है, आप जितना चाहिए रख सकते हैं, 5 हुक 10 हुक जितना चाहिए रख सकते हैं। देखिए
देखिए दोस्तों, ये पांचों चीज़ डाल दिया, उसके बाद केला लीजिए। ये ज़्यादा पका हुआ रहेगा तो अच्छा रहेगा कार्प के लिए, ज़्यादा पका हुआ रहेगा तो अच्छा रहेगा। एक दे लिए, एक केला डालिए। अगर राइस ग्राइंड करके डालेंगे तो भी अच्छा रहेगा। देखिए दोस्तों, मिक्स हो गया। पूरा मिक्स होने के बाद में लेमन को डालिए। पूरा जो जो चीज़ मैं बताया हूँ वो चीज़ मिक्स कर लीजिए, ठीक तरह से मिक्स होना चाहिए, ठीक तरह से मिक्स कीजिए। उसके बाद लास्ट में लेमन डालिए, लेमन और लहसुन, उसका पेस्ट, लहसुन का पेस्ट डालिए। दोस्तों लेमन इसलिए डालता हूँ कि कॉमन कर्ब बहुत पसंद करती है और हर बेट पे हुक नहीं होती, थोड़े थोड़े बेट पे लेमन का काम असर हो करता है। देखिए एक लेमन पूरा डाल दिया मैं, इसमें पानी मिक्स नहीं किया दोस्तों, अब देख रहे हैं ना, पानी मिक्स नहीं किया मैं, सिर्फ लेमन और केले, केला, शुगर। इतने तफसील से कोई नहीं बताएगा दोस्तों आपको। बहुत सारे चीज़ जब हुकबर्ड बनाते हैं तो बहुत सारे चीज़ नहीं बताते, जो भी हुकबर्ड का मुझे पता है और मुझे इन्फॉर्मेशन है उसका रिज़ल्ट और उसका बाइट जो भी है मैं आपके सामने बना कर लाता हूँ। इसमें तीन कलर होता है दोस्तों, तीन कलर, एक येलो, एक ऑरेंज, एक ग्रीन। थोड़ा वाइट कॉर्न पाउडर डाल लीजिए, कॉर्न का पाउडर वाइट, एकदम बहुत बढ़िया है दोस्तों, हुक पे भी बैठेगा, आप जैसा लगाना चाहते हैं वैसा लगाइए। थोड़ा मिक्स करता हूँ, मिक्स करके फिर वीडियो प्ले करता हूँ दोस्तों। चलिए दोस्तों, ठीक तरह से मिक्स हो गया है, अब इस पर कलर करना है, कौन सा कलर करना है और कौन सा कलर मछली के लिए अट्रैक्ट है, अब कलर मिक्स करता हूँ इंशाल्लाह। देखिए ऑरेंज, ऑरेंज कलर, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर कलर चला जाएगा, कलर नहीं आएगा पानी में, अरे यार कैसे जाता है यार। ऑरेंज और ग्रीन, येलो, ज़्यादा डार्क मत कीजिए, सिर्फ थोड़ा। देखिए ऑरेंज बन गया, इसलिए डाल रहा हूँ कि हाथ पे लग रहा था ना, इसलिए थोड़ा वाइट मिक्स कर रहा हूँ कॉर्न पाउडर। हो गया ना दोस्तों, देखिए येलो, ऑरेंज
फिर एक करूँगा ग्रीन, देखिए ग्रीन, और जो फूड कलर मिलता है ना उसको ही डाल दीजिए बस। ठीक तरह से मिक्स कीजिए, कलर आ जाएगा। चलिए दोस्तों तीनों कलर हो गया, देखिए ऑरेंज ग्रीन येलो हो गया ना दोस्तों, तीनों कलर हो गया। देखिए हुक पे कैसे लगाना है, अगर पतला हो गया ना तो आप मैदा मिला सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं, थोड़ा हार्ड बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बिना पानी के मिक्स कीजिए, हो गया ना दोस्तों। देखिए जब पानी में फेंकेंगे तो ऐसा रहेगा। बिखर के पड़ेगा ना, और इस पे आप एक साथ लगा सकते हैं, एक एक करके लगा सकते हैं, जैसे आप चाहिए वैसा लगा सकते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, थैंक यू, शुक्रिया।